मान जा भाई, बड़ा है ना बेटा, मान जा भाई, मान जा। नमस्कार दोस्तों, भाई साहब मैं सुनील कुमार जोड़ी से बोल रहा हूँ। मेरे साथ आज सुबह दो घटना घटी, उसका पुलिस ने अभी तक कोई FIR नहीं लिखी। 9 बजे से मेरे साथ दुर्घटना घटी है, मेरे को मारा गया, मेरी वाइफ के साथ इज्जत के साथ खेला गया, MLC कटवा चुकी, वीडियो सारी आप लोगों को शेयर कर चुके हैं। हमारे साथ पुलिस को इस प्रशासन सपोर्ट में नहीं है, दूसरी पार्टी से पैसे खा के हमारी अभी तक सुबह 9 बजे का केस है। 100 नंबर पर कॉल हो चुकी, 1091 पर कॉल हो चुकी, हम थाने में जा चुके, एप्लीकेशन लिख चुके, हमारी FIR नहीं कट रही है, पुलिस उल्टा हमें धमका रही है। पता नहीं उनसे पैसे खाए हैं क्या किया है, उल्टा हमें पुलिस धमका रही है कि तुम प्लाट में करने क्या गए थे, तुम्हें मीटर क्यों लगाना था। भाई साहब हमें जान से खतरा है। दोस्तों आपसे विनती है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, वीडियो को शेयर करें। और पहले भी मैंने क्लिप भेजी है जिसकी झगड़े की मौजूद मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करी गई, उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, मारा गया, पीटा गया सरेआम, और उस पर पुलिस को प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आपसे विनती है भाइयों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऊपर प्रशासन तक पहुँचा जा सके। और पुलिस गोहाना में मेरा थाना है, गोहाना सदर थाने में मेरा केस है, जगबीर ASI इस पे आई हैं, वो बिल्कुल भी इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे। हम फ़ोन करते हैं कोई रिप्लाई नहीं देते, हम फ़ोन करते हैं, वो दूसरी पार्टी बदमाश लेके हॉस्पिटल पहुंची, हमने जगबीर जी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला वहाँ से हम तो कहीं बिजी हैं, आप कोई दूसरे पार्टी से 100 नंबर पे कॉल करो और दूसरी जगह से अपनी महिला पुलिस से प्रोटेक्शन ले लो। जबकि जगबीर जी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, और आज वो अभी थाने में गए तो हमारे साथ बदसलूकी करी, ना हमारा पर्चा काटा गया, ना FIR ली गई, और उल्टा हमारे साथ बदतमीजी करी गई कि चले चलो जाओ यहाँ से, ना हमें को
अप्लीकेशन की रिसीविंग दी गई, उल्टा हमें डरा दिया कि तुम बिजली का मीटर क्यों लगवा रहे थे। भाई साहब आपसे विनती है कि इसको शेयर करें और ताकि हमारे प्रशासन सुनाई करे। पुलिस उल्टा हमें डरा रही है, वीडियो आप लोगों के पास है क्या हादसा हमारे साथ हुआ सवेरे, और ये एक बार नहीं भाई साहब इससे पहले भी हो चुका है, मेरे साथ दो बार फायर भी हो चुके हैं बहादुरगढ़, उसकी भी FIR हम कर चुके हैं। उससे पहले हमारे साथ मारने की धमकी मिली, वो भी हमने अप्लीकेशन दी, उस पर कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है, उनसे पैसे खा रहा है और हमें मारने की धमकी दे रहा है। हमें प्रशासन भी से भी खतरा है, क्योंकि प्रशासन भी उनके साथ मिला हुआ है।